हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिमी एंड फैमिली में। मैं नीलेश सोलंकी एंड अभी टाइम हो चुका है सुबह के 8 एंड मैं अभी आके आया हूँ मितांश को स्कूल छोड़ के आज, क्योंकि सुबह जल्दी स्कूल थी तो आज मुझे भी जल्दी उठना पड़ा। एंड अभी मुझे पहले तो करना है नाश्ता एंड इसके बाद हमें जाना है हमारे दूसरे घर पर, तो आज वहाँ से काम स्टार्ट हो चुका है तो आज हम वहाँ जाएंगे। अब मैं आ चुका हूँ किचन में एंड रियान ने स्टार्ट कर दिया है सुबह का खाना। तो खाने में क्या है रियान भाई? गुड़ और घी। भाई वेरी गुड। तो गुड़ एंड घी, गुड़ और मक्खन है, घी कहाँ है? ये तो मक्खन है। मक्खन गुड़। हाँ, ये गुड़ है और मक्खन है। तो सुबह सुबह हेल्दी खाना स्टार्ट कर दिया है एंड मुन्नी ने यहाँ खाना स्टार्ट कर दिया है। ये हमने कल बनाए थे ढोकले, अभी बचे हुए थे तो ये हमें चाय के साथ नाश्ते में खाने में ये बहुत ही मज़ा आता है, तो मैं भी आज खाने में बैठ गया। बाकी आमतौर पर मैं नहीं खाता सुबह, तो आज खाएंगे नाश्ते में भाई। एंड ये देखो भाई, गुड मॉर्निंग। ब्रश करके डायरेक्ट खाने के लिए बैठ चुका है आज तो। इतनी ज़्यादा भूख लगी? बस थोड़ी थोड़ी पी भाई। गर्मा गर्म रोटी के साथ गुड़ और घी। तो चाय मेरी आ चुकी है गर्मा गर्म। तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे घर एंड खेत की ओर अभी हम निकल पड़े हैं हमारा ड्रेस चेंज करके एंड आज से हम पहला दिन स्टार्ट हो चुका है, तो बने रहे हमारे साथ। एंड अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलो मुनी, कैसी एक्साइटमेंट है? पहला दिन है हमारा आज खेत में, हमारी की जुआर कटिंग का है। फाइनली हमारी जुआर है वो आज हम कटाई पूरी कर देंगे। एंड आज वर्कर्स भी आए हुए हैं, तो फिलहाल वो तो कब से आ चुके हैं लेकिन हम लेट है। अभी टाइम हो चुका है, अभी 10:10 बाकी है, तो हम तब जाके हमारे खेत में पहुँचे हुए हैं। तो थोड़ी देर अब काम कर लेते हैं एंड इसके बाद आपको मिलते हैं। कितना काम हमारे से हो पाता है इसकी वजह से हमने वर्कर्स कर दिए, हमारे से जितना होगा उतना हम करेंगे, इतना ज़्यादा तो नहीं होता फिर भी हम कोशिश करेंगे। तो जय माता जी। पहले हम स्टार्ट कर देते हैं। अब हमने जो कि हमने दो क्यारी हमने ऑलरेडी कटिंग कर लिया है, तो ये दूसरा वेराइटी था हमारी जुआर का, वो ज़्यादा पक गया, मतलब कि पहले पक चुका था। तो आज फाइनली हमारे पूरे खेत की कटाई होगी। तो मुनी ने कटाई स्टार्ट कर दी है, तो चलो हम भी आज ट्राई करते हैं कितना हमारे से हो पाता है। वर्कर्स तो कब से आ चुके हैं, वो तो वहाँ तक पहुँच चुके हैं। उनके साथ तो हम कटाई नहीं कर सकते क्योंकि इनका हर दिन यही काम रहता है। तो लक्ष्मण ने भी यहाँ पे कटिंग किया हुआ है, थोड़े बहुत पहुँचा हुआ है। वर्कर्स तो बहुत आगे निकल चुके हैं, तो अब हम भी कटाई करते हैं। तो अभी टाइम हो चुका है दोपहर के 1 एंड मीता स्कूल से कब से आ चुका था और फिर आया हुआ है खेत में हमारे साथ। वहाँ नारियली के छांव के नीचे बैठे बैठे खेल रहा था। एंड अभी टाइम हो चुका है हमारा खाने का, तो अभी हम जा रहे हैं खाने के लिए। एंड इतना ज़्यादा मैं तो थक चुका हूँ, इनकी बात मत कीजिए, क्योंकि इतना काम हम नहीं कर पाते, एक दिन का काम रहता है। तो आज हम पूरा दिन काम करेंगे तो कल पूरा बॉडी दर्द करने को लगेगा। कोई बात नहीं, एक दिन काम कर लेते हैं। तो अभी क्या कहाँ जाना है? खाना खाने के बाद हमने फिर से काम स्टार्ट किया हुआ था, यहाँ तक मैं पहुँचा हुआ, लेकिन 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 देखिए यहाँ पे मुझे लग चुका है जोरों से हैंड। वो ये काम करते टाइम यही होता है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात यही होती है कि हमारी जो दराती होती है, जो हमारी ये दराती होती है वो लग ना जाए इनकी कटाई के वक्त। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ पत्थर आ जाता है
ऐसे में ऐसा हो जाता है कभी कभी, इतना ज़्यादा घाव नहीं है, थोड़ा सा है। अब हमारा काम ख़त्म हो चुका है एंड पूरे खेत में हमारी जो जुआर है उनका कटिंग हो चुका है। इस तरह से ये देखिए पूरी लाइन में हमने लगा दिया है एंड अब इनको हम 6 या 7 दिन यहाँ सूखने देंगे और फिर इनको पूरे वाल लेंगे एंड इसके बाद हम स्टोर कर देंगे पूरे साल के लिए। खेत से आ चुके हैं एंड टाइम अभी हो चुका है 6 घड़ी में एंड हम बैठ चुके हैं नाश्ता करने के लिए एंड हमारे नाश्ते में तोस एंड चा एंड ये मुरमुरे। इतना भाई आज तो मचा डाला ना, उनकी बात मत कीजिए। पहले तो मुझे भूख लगी है एंड देखिए मेरा हाथ, ये सोजन आ चुकी है मेरे हाथ में, इतना काम किया। एक तो ये लग चुका था, यहाँ पे मधुमक्खी ने डंक मारा, इतना इतना काम हो चुका है। ना अभी तो ये दर्द भी करने लगा है, वर्किंग भी नहीं हो रहा है, शायद थोड़ा थोड़ा हो रहा है। आज मैंने पहली बार इतना काम किया, मुनी हंस रही है ले मेरी बात पे। मैंने पहली बार इतना काम किया तो हंसेगा क्या यार दोस्त। मीता आज मुझे लगता है कि यहाँ पे आज रुक जाएगा, कल संडे है। ये देखिए हालत देखिए, पहले इतना काम किया मैंने लेकिन ये हंस जाती है। सच में आज मैंने इतना काम किया भाई, नहीं होता था तब भी मैंने किया, लेकिन ख़त्म कर दिया हमारा काम। जो जुआर का कटिंग था वो ख़त्म हो चुका है। मेरी चाय यहाँ पे ठंडी हो चुकी है तो मैं पहले चाय भी पी लेता हूँ। दक्ष चल बैठ जा नाश्ता करने के लिए। एंड मितांश का भाई भी आ चुका है एंड पहले तो मैं खाना खा लेता हूँ। यमी यमी चुका हूँ हमारे घर एंड अभी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ एंड मेरी आंखें देखिए पूरी लाल हो चुकी है एंड सर दर्द भी थोड़ा होने लगा है। अब थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ क्योंकि नहाने के बाद बाकी तो पूरा थक चुका था आज। तो फिलहाल अभी खाने का भी रेडी हो चुका है, मम्मी ने बना दिया है तो खा लेते हैं अभी। तो आज मम्मी को बनाना पड़ा रोटला कितने टाइम के बाद, क्योंकि हम अभी अभी जस्ट पहुँचे तब तो मम्मी ने बना दिया था, बस अभी तो थोड़ा सा बाकी है तो बस अभी हम खाना खा लेते हैं। रेडी माँ बनी जाके, तो आज मम्मी ने बनाया खाना। अब हमारा खाना पीना हो चुका है एंड आज तो मैं और रियान है। तो अभी मैं हमने तो अभी हमने स्टार्ट किया, क्या हुआ है ऊपर कबड्डी, तो अभी हमने खेलना स्टार्ट किया हुआ है कबड्डी। तो मैं और रियान अभी खेल रहे हैं कबड्डी। तो चलो पहला पहला मेरा दाग, तुम्हारा कौन आएगा? मैं आऊँगा। चलो अब मैं कबड्डी कबड्डी जय माता दी। कबड्डी 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 चार फोट थी जा। हाय हवे तारो, हाय हाय लाय हाल हवे तारो वालो એટલે મને તો ખબર જ નથી, 4 પોઈન્ટ થઈ ગયા. ચાલો હવે હું આવું પાછો. કબડ્ડી 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 આવો મારે 1 મિનિટ. હા મારે 2000. હવે તારે આવવાનું પાછું મારે हमें। हाँ भाई देखिए आज सास बहू का प्यार कितना आज उभर के आया हुआ है भाई। हाँ इतना प्यार कहाँ से उभर के आया बोली तुम्हारे भाई। मैं भी थोड़ी देर तो हैंग हो चुका था कि ये क्या मैं देख रहा हूँ। हाँ है रिया। चलो ठीक है, अच्छा है मम्मी, मजा आवे मजा आवे ने तो मजा आवे। दररोज तारे से दररोज मुनी नाक देऊ हूँ मत।
हाँ रोज तरह से ना पता हम तेल नाक दे। बस आज के लिए इतना ही है, एंड वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कुछ ना कुछ करके जाइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।